हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एक्चुअल परमुटेशन यहाँ से शुरू होता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, परमुटेशन मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स एज पर डिस्क्राइब बाई क्वेश्चन। तो यहाँ पर जरा देखें, जरा यहाँ पर क्या होगा। सपोज आपको दिए हुए हैं कि 4 पर्सन को अरेंज करना है, तो उसको हम कितने तरीके से करते थे? फैक्टोरियल 4 कैसे करते थे, याद करो। हमें 4 पर्सन दिए हुए हैं और 4 प्लेस दिए हुए हैं। सपोज ये आपको अलग अलग सीट है उनके बैठने के लिए, तो कैसे कर सकते हैं? 4 पर्सन को मैं नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने बी को कहाँ बैठा दिया, सपोज पहली जगह पर बैठा दिया, तो आपके पास कितनी चॉइस थी? यहाँ पर बी के पास कितनी चॉइस थी? बी कैन सिट एट दिस सीट और दिस सीट और दिस सीट। तो यहाँ पर 4 चॉइस थी। जब हम बी को यहाँ बैठा देंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट ए को सपोज मैं लेके चलता हूँ, और अब इसके पास कितनी चॉइस हैं? ओबियसली 3 चॉइस हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ए है 3 चॉइस। अब मैं सपोर्ट डी को लेके जाता हूँ, तो इसके पास कितनी चॉइस होंगी? यदि यहाँ पर ऑलरेडी ए आ चुका है तो इसके पास होंगी 2 चॉइस। तो 2 चॉइस जो है आपकी डी के लिए हुई, और फाइनली सी के पास सिर्फ 1 चॉइस बचती है। यानी हम कह सकते हैं सी है 9 चॉइस, उसके पास तो यहीं बैठना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डी बैठ चुका है, तो 1 चॉइस। तो हम कैसे लिखते थे? 4 पर्सन को अरेंज करने का तरीका कितना होता? 4 × 3 × 2 × 1, टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट। तो कितना हुआ आपका? 4 पर्सन के लिए टोटल नंबर ऑफ वे हुए आपके 4 × 3 × 2 × 1। और अब आप पढ़ चुके हैं कि इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, फैक्टोरियल फोर। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपके पास n पर्सन हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज, उन्हीं को परमुटेशन बोलते हैं, परमुटेशंस ऑफ एन थिंग्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम। तो जरा देखो कितना हुआ। यहाँ पर 4 पर्सन थे हमारे पास, ए बी सी डी, और हमने चारों को अरेंज किया, तो कितने तरीके हुए हमारे पास? 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर कितना हुआ आपका? एन फैक्टोरियल होगा। तो ध्यान रखेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट एन इंटू एन माइनस वन इंटू, फिर अगला क्या होगा? एन माइनस टू, जैसे कि आप देख रहे हैं 4 की जगह हमें 4 × 3 × 2 लिया था, ऐसे यहाँ पे एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इस तरह होगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो पहली पोजीशन भरी थी यहाँ पर, देखिए फर्स्ट प्लेस, यहाँ देखिए मेरे पास इस बार एन ऑब्जेक्ट्स हैं अरेंज करने के लिए, यहाँ पर 4 थे, और यहाँ पर मुझे इनको अरेंज करना है। तो ज़रा देखेंगे ध्यान से, ये n ही प्लेस हैं, तो यहाँ पर कितनी चॉइस होगी? पहले वाले के लिए चॉइस होगी n, दूसरे वाले के लिए चॉइस होगी n माइनस वन क्योंकि एक भर चुकी है, तीसरे वाले के लिए कितना होगा? n माइनस टू, फिर नेक्स्ट वाले के लिए कितना होगा? n माइनस थ्री। यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करने की है, नंबर ऑफ वेज फॉर पोजीशन 1, पहली पोजीशन के लिए कितने थे? अब देखो पहली पोजीशन के लिए कितने वे थे? n, एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ पोजीशन 2 सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट के लिए, या से लिख सकते हैं यहां पर फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो ये n फैक्टोरियल। और सेकंड के लिए कितना लिखेंगे आप लोग? यहाँ पर हो जाएगा n माइनस वन वे, आप देख सकते हैं। और नंबर ऑफ वेज फॉर थर्ड, उसके लिए n माइनस टू हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये चौथा वाला है, फोर्थ वाला, तो नंबर ऑफ वे ऑफ फोर्थ कितना हो जाएगा? n माइनस थ्री।
अब यदि यहाँ पर n प्लेस ना होकर, नोटिस करो, n प्लेस ना होकर के कितने हैं, n ना होकर कितने हैं, r प्लेस ओनली, मेरे पास सिर्फ r प्लेस हैं, r प्लेस, ध्यान देंगे, तो यहाँ आर्थ प्लेस को, आर्थ प्लेस को यहाँ पर आर्थ ऑब्जेक्ट में लेके आऊँगा, तो इस प्लेस को भरने के लिए कितने वे होंगे, तो इसी तरह चलते चलते मैं यहाँ पे डॉट 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 करके आगे बढ़ जाता हूँ, और नंबर ऑफ वेज फॉर आर्थ ऑब्जेक्ट उसके लिए कितने होंगे, देखिए यहाँ पर ये एन के लिए एन माइनस जीरो, और वन के लिए, फर्स्ट के लिए एन माइनस जीरो, सेकेंड के लिए एन माइनस वन, यानी कि सेकेंड से एक कम, और थर्ड के लिए एन माइनस थर्ड से एक कम टू, फोर्थ के लिए एन माइनस फोर से एक कम थ्री, तो आर्थ के लिए क्या हुआ, एन माइनस आर से एक कम फैक्टोरियल, और इसको आप लिख सकते हैं कैसे, देखिए ध्यान से, ये होगा एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ वेज, जैसे यहाँ आप लिख सकते हैं आप लोग, फोर के लिए कितना था, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, तो यहाँ पे कितना होगा, देयरफॉर इसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, वो जो डिफरेंट वेज है उन्हीं को परमुटेशन कहते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये होगा आपका एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, फोर इंटू थ्री इंटू टू जैसा करते हमने ये सबको मल्टीप्लाई किया था, और ये कहाँ तक जाएगा आपका, एन माइनस आर प्लस वन तक, ध्यान देंगे इस बात को, तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हुए। अब जरा देखेंगे आप लोग एक्चुअल फार्मूला जो हम यूज करेंगे यहाँ पर वो क्या है, तो देखें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, इन्हीं को प्रमोटेशन कहते हैं, ऑफ आर थिंग्स टेकन आउट ऑफ एन थिंग्स इज गिवन बाय एन पी आर इक्वल टू, कितना होना चाहिए ये आपको, जो हमने यहां पे बताया था मालूम है, तो ये होगा आपको एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएंगे, एन माइनस आर प्लस वन, ये टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस हुए। तो इसको हम एन पी आर से शो करते हैं, या फिर कुछ बुक्स आपको देखेंगे आप एन पी एन आर से भी शो करती हैं, पी एन कुमार, ये दोनों नोटेशन हैं जो यूज होते हैं इसके लिए। अब इसको मैं और इजी वे में समझाने के लिए आपको लिखूंगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर n माइनस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और ये n माइनस आर प्लस वन तक गया था, और मैं चाहता हूँ इसको n फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखना, तो ज़रा देखें, सपोज करो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ देखिए, सपोज मैं 4 इंटू थ्री मेरे पास नंबर है, इसको मैं 4 फैक्टोरियल में लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इससे आगे 2 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे 4 इंटू थ्री को कैसे लिखूँगा मैं, 4 इंटू थ्री को कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको ऊपर नीचे 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 4 इंटू टू इंटू वन हो जाएगा, तो ऊपर तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और नीचे आया आपका 2 फैक्टोरियल, और ये कैसे आएगा, ये आएगा आपका 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, कैसे, जरा एक और एग्जाम्पल उसमें अच्छा समझ में आएगा, सपोज आप लिखना चाहते हैं 5 इंटू 4 को, तो ये होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे लिख देंगे हम लोग 3 फैक्टोरियल, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, ये पूरा कर लिया हमने इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो इसी तरह से आप यहाँ देखें, यदि मैं इसके लिए ट्राई करूँ तो इससे अगला छोटा नंबर नेक्स्ट क्या होगा, तो इससे कॉन्जुगेटिव नंबर होगा आपका n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस वन से अगला छोटा नंबर क्या होगा, n माइनस आर फैक्टोरियल, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल ओवर हेयर, तो इट विल बी न्यूमरेटर विल बी दिस एंड डिनोमिनेटर विल बी एन माइनस आर फैक्टोरियल, इफ यू इलिमिनेट दीज टू नंबर्स देन ऑब्वियसली रिजल्ट विल बी सेम, नाउ वी कैन राइट इट एज
factorial. Numerator become n factorial. N, n minus 1, n minus 2, n minus r plus 1, फिर उससे आगे n minus r, फिर n minus r minus 1, चलते हैं 1 तक जाएगा ये, क्योंकि आगे factorial आ चुका है, upon n minus r का factorial. Therefore, आपका जो formula बना, वो बना n p r equal to n factorial upon n minus r factorial. या कोई बुक लिखेगी इसको p n r equal to n factorial over n minus r factorial. यहां पर मैं आपको बता दूं कि सपोज हमारे पास जो n थिंग्स हैं, इफ आउट ऑफ n थिंग्स या n ऑब्जेक्ट ए आर अलाइक, बी आर अलाइक एंड सी आर अलाइक, तो आपको अच्छी तरह पता है कि एन पी एन यदि हम सभी को एक साथ लेकर के परमुटेशन करते तो वो कितना आता था, एन फैक्टोरियल. लेकिन अभी कितना आएगा, तो उसको डिवाइड कर देंगे आप ए फैक्टोरियल, डिवाइड कर देंगे बी फैक्टोरियल, डिवाइड कर देंगे सी फैक्टोरियल से, तो रिजल्ट होगा एन पी एन इस केस में, इस केस में देन एन पी एन विल बी इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर ए फैक्टोरियल इंटू बी फैक्टोरियल इंटू सी फैक्टोरियल. एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, यदि हम दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं, डी ई एल एच आई, तो यहाँ पर कितने लेटर हैं आपके पास, 5. तो इनको हम सभी को एक साथ लेकर के कुल कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं, यानी कितने डिफरेंट अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो दैट विल बी 5P5. और ये कितना होगा, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इक्वल टू 5 और r की वैल्यू भी 5, तो 5P5, तो ये होगा 5 फैक्टोरियल, जो यहाँ पर था आप देखिए, ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल, दैट इक्वल टू 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, मैं आपको अभी समझाऊंगा, तो ये होगा आपका 5 फैक्टोरियल बाई 1, और 5 फैक्टोरियल वैल्यू होती है 120. तो ये कितना हुआ आपका 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, दैट इक्वल टू 5 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल ओवर 1, दैट इज 5 फैक्टोरियल एंड इट विल बी इक्वल टू 120. बट यदि इसी के जगह पे आपको होता सपोज दूसरा एग्जाम्पल, यहां पर आप देख सकते कि परमुटेशंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, पी ई आर एम यू टी ए टी आई ओ एन. तो यदि परमुटेशन है हमारा, परमुटेशंस कर देते हैं, तो यहां पर देखें आप लोग टोटल कितने लेटर होंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, तो ये हो गए आपके कितने भाई, 12. लेकिन ध्यान दें इसमें 2 T रिपीट हो रहे हैं, टी दो बार रिपीट हो रहा है, तो टी रिपीट ट्वाइस, देयरफॉर नंबर ऑफ परमुटेशन यहाँ कितना होगा, तो यहाँ पर यदि ये 5P5 था, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, और यहाँ भी हम कहेंगे नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड जो इससे बनाए जा सकते हैं वे कितने होंगे, तो होगा 12 फैक्टोरियल. तो यहाँ तो आया था 12 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, यानी डायरेक्ट 12 फैक्टोरियल आता है यहाँ पर, यदि हम रिपीट नहीं होते कोई नंबर लेटर यहाँ रिपीट नहीं होता, तो बट यहाँ रिपीट हो रहा, तो क्या करेंगे 12 फैक्टोरियल ओवर, और यहाँ देखो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 12 फैक्टोरियल ओवर, और यहाँ पर 2 T हैं जो अलाइक हैं, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल भी आएगा, सो इट विल बी योर रिजल्ट. तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं. और अभी मैं जैसा मैंने आपको जिक्र किया था कि 0 फैक्टोरियल की तरफ चलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पर देखिए, सपोज मेरे पास 3 पेन हैं, और ये 3 डिफरेंट कलर के हैं, आप देख सकते हैं, तो इनको अरेंज करने के कितने डिफरेंट वे होंगे, तो देखिए यहाँ पर ब्लैक, रेड, और नेक्स्ट को मैं जो ब्लू वाला है इसको मैं श्यान लिखता हूँ, तो
कितने डिफरेंट वे में तीनों को अरेंज कर सकते हो। जब देखिए यहाँ पर थ्री प्लेस हैं, तो यहाँ पर क्या होगा आपका थ्री चॉइस, कोई सा भी आ सकता है। या ऐसा करिए कि जो मैं ब्लैक के लिए चॉइस लाता हूँ ऐसे मान लीजिए, तो वो किसी भी प्लेस पे आ सकता है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो किसी भी एक प्लेस पे वो यदि आना चाहे तो उसको, यहाँ पर तीन चॉइस थी और इसमें से आपको थ्री हमने यहाँ लिख दिया है। और सपोज़ जो ब्लैक मैंने यहाँ भर दिया, अब मैं सियान को लेकर के आया, सपोज़ इसके लिए कितनी चॉइस है आपके पास, यहाँ और यहाँ, इसके पास दो चॉइस हैं। मानो मैंने सियान को यहाँ रख दिया और रेड के पास सिर्फ एक चॉइस है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितने हुए, देखिए यहाँ पे कितने हुए, ये हुए आपके पास सिक्स। कैसे मालूम पड़ा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम कर चुके हैं, थ्री इंटू टू इंटू वन दैट्स इक्वल टू सिक्स, ठीक है। और ज़रा देखें अभी आप यहाँ पर जो थ्री पी थ्री फॉर्मूले से आप देखेंगे, थ्री पी थ्री इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगा आपका थ्री फैक्टोरियल ओवर थ्री माइनस थ्री फैक्टोरियल। हमें पता है जो फार्मूला था वो एन पी आर इक्वल टू था एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, जो हमने अपने चेक करके तब हमने यूज किया हुआ है। तो ये होगा आपका थ्री फैक्टोरियल ओवर जीरो फैक्टोरियल, और ये वैल्यू आपके आएगी, आपके अच्छी तरह मालूम है कि जो थ्री फैक्टोरियल ओवर जीरो फैक्टोरियल हमारा आया राइट साइड, ये थ्री पी थ्री के इक्वल है। थ्री पी थ्री हमने अभी भी चेक किया, ये थ्री पी थ्री था आपका, कि थ्री ऑब्जेक्ट थे और तीनों को अरेंज करने के जो डिफरेंट वे थे सिक्स थे, तो ये होगा सिक्स इक्वल टू, और थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू ऑलरेडी सिक्स होती है, सिक्स बाई जीरो फैक्टोरियल, तो हम लिख सकते सिक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जीरो फैक्टोरियल इधर आ रहा हूँ, सिक्स इंटू जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू सिक्स। और अब मैं क्या करूँगा, इस सिक्स को इसके नीचे ले जा रहा हूँ, ध्यान दें, तो जीरो फैक्टोरियल वैल्यू होगी सिक्स अपॉन सिक्स, और सिक्स अपॉन सिक्स की वैल्यू होती है वन, तो इट गिव यू जीरो फैक्टोरियल्स इक्वल टू वन, तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू जीरो नहीं होगी, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सर्कुलर परम्यूटेशन, और जो सर्कुलर परम्यूटेशन है इसमें आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नहीं है, बट किसी दूसरी बुक में आपको मिल सकता। तो सपोज यहाँ पर एक राउंड टेबल पे बैठे हैं सिक्स पर्सन, ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, और यहाँ पर डी है, और यहाँ पर ई है, और यहाँ पर एफ। जरा देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि सपोज ये एक रूम में बैठे हैं, और अभी कोई पर्सन मिस्टर एक्स बाहर से आते हैं और वेज पैटर्न को अच्छी तरह ऑब्जर्व करके जाते हैं, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर ये जो रूम है ये भी राउंड है, वो ऐसे पहचान नहीं कर सकते कि ये कॉर्नर की तरफ था, ये वॉल की तरफ था, तो वे यहीं तो इसको पहचान करनी है, तो वो देखेगा मिस्टर ए के बराबर में मिस्टर बी बैठा है, इधर एफ बैठा है, इसके आगे सी बैठा है, सी के आगे डी बैठा है, डी के दोनों तरफ ई और सी बैठे हैं, ऐसे खूब अच्छी तरह देख लगे देख करके वो, अब हम उसको बोलते हैं कि बाहर जाओ भाई, वो एक्स बाहर चले गए। अब उसके बारे में उसको दोबारा बुलाएंगे, उससे पहले एक काम यहाँ चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हम इन सभी को शिफ्ट कर देते हैं एक एक प्लेस, तो ए बी की जगह आ गया, बी सी की जगह आ गया, सी डी की जगह आ जाएगा, डी ई की जगह आ जाएगा, और ई एफ की जगह आ जाएगा, आप देखें, और एफ की ए की प्लेस पर आ जाएगा। अब जब एक्स दोबारा एंटर होगा इसमें, जरा ध्यान से देखें, और हम उनको बोलेंगे कि देयर चेंज, जब हम मिस्टर एक्स से पूछेंगे कि क्या यहाँ पर कोई चेंज आया, तो वो बोलेगा नो, क्योंकि उसने जो पैटर्न ऑलरेडी चेक किया था, नोटिस कर रखा था, उसमें उन्होंने सभी पैटर्न जो चेक किए थे, भाई बी के इधर अभी भी ए है, तभी भी ए था, डी के इधर सी और एक तरफ सी राइट में और लेफ्ट में आपका ई पहले भी ऐसे ही बैठे थे, अभी भी ऐसे ही बैठे हैं, तो वो इस पैटर्न को डिफरेंट पैटर्न नहीं मानेगा, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए एक तरीका है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट होते जा रहे हैं और वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप कह रहे हैं सेम अरेंजमेंट है, तो उसके लिए एक पर्सन को बोलो भाई तुम अपनी जगह चेंज नहीं करोगे, वो फेल हो जाता है। और सपोज करो अब मिस्टर वाई को बोलते हैं, वो तो बता नहीं पाया, अब मिस्टर वाई इस बात के लिए बड़ा चलाकी करता है, जब वाई आता है उसको हम बोलते हैं भाई देख लिया अच्छी तरह, देख लिया, लेकिन वाई का फ्रेंड है ए,
वो ए को इशारा करता है कि सब चेंज होंगे तो अपनी पोजिशन चेंज मत करना। अब वो बाहर चला जाता है, ये सब अपनी पोजिशन चेंज करते हैं, लेकिन ए अपनी पोजिशन चेंज नहीं करता। जब वो वापस आता है तो बोलता है कोई चेंज है, तो ए को चेक करता है और उसके रेस्पेक्ट में सबकी पोजिशन चेक करता है। एक भी अपनी जगह से हिला तो इसके रेस्पेक्ट में वो पोजिशन पकड़ी जाएगी। तो याद रखें, परमुटेशंस, परमुटेशन मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट, परमुटेशंस ऑफ एन थिंग्स। तो यहां पे सर्कुलर जोड़ देता हूं मैं, सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ एन थिंग्स इक्वल टू कितने होंगे, ये एन में से एक कम कर दो, एन माइनस वन फैक्टोरियल। एन को कभी चेक नहीं कर सकते, कम से कम उसमें से एक को फिक्स कर दो, अब आप पर फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपके बुक में क्वेश्चन ही नहीं है इसका, लेकिन फिर भी यदि कहीं मिल जाए तो याद रखें। सपोज करो वो पूछेगा कि 6 पर्सन हैं और इनको कितने डिफरेंट वे में हम अरेंज कर सकते हैं एक सर्कुलर टेबल पे, तो 4 6 पर्सन एन इक्वल टू 6 हो जाएगा। देयरफॉर डिफरेंट परमुटेशन जो होगा, कौन सा, सर्कुलर परमुटेशन। यदि लीनियर होता तो वो फैक्टोरियल 6 होता, यदि लीनियर परमुटेशन होता तो फैक्टोरियल 6 होता। तो यहाँ पर कितना वजह था, आपने देखा होगा यहाँ पर लीनियर परमुटेशन लिया था किसका, 5 ऑब्जेक्ट का, तो कितना आया था फैक्टोरियल 5, इसकी वैल्यू 120 थी। तो इसी तरह यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 6 के लिए क्या होगा, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये होगा आपका 5 फैक्टोरियल, इट विल बी इक्वल टू 120। तो इट वॉज अबाउट फैक्टोरियल्स एंड परमुटेशंस, एंड नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3। और यह है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट रिपीटेड। तो जो डिजिट हैं वे दिए हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 डिजिट जो हम लेते थे, अब याद करो जो पहले हमने किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग से, यहाँ पर आपकी 9 चॉइस हो गई थी, यहाँ पर कितनी हुई थी आपकी 8 चॉइस हुई थी, और यहाँ पर 7 चॉइस। तो जो आंसर था आपका यह था 9 × 8 × 7, व्हाट इज द वैल्यू। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर हम इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बजाय यहाँ करेंगे हम लोग परमुटेशन की हेल्प से। तो पहले तो मैं आपको बताऊँ ये वैल्यू कितनी है, ये होगा आपका 72 × 7, तो 7 × 2 = 14, और 7 × 7 = 49 50, तो ये 504 वैल्यू आती है। आप जरा देखें, तो अभी मैं परमुटेशन की हेल्प से इसी क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, जरा ध्यान से देखें। फॉर्मूला है हमारा कितना, NPR वाला, क्या फॉर्मूला है भाई, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। जरा ध्यान दें, यहाँ पर हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है और ये जो डिजिट्स हैं वे 1 to 9 हैं और नॉट रिपीटेड हैं, तो यू हैव टू चूज 3 डिजिट्स आउट ऑफ 9। तो 9P3, और ये वैल्यू आएगी आपकी, देखिए 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये होगा आपका 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 कितना होगा, 6 फैक्टोरियल। और जैसे आप लिखेंगे 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है ये, और ये 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आएगी 9 × 8 × 7, और ये आपकी ऑलरेडी कितनी है, 504। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन दोनों तरह से परफॉर्म हो सकता है, आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से जैसा हमने एक्सरसाइज 7.1 में किया था, और यहाँ पर हमने किया यूजिंग द फार्मूला ऑफ परमुटेशन। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अभी हमें फंडामेंटल की बजाय इसकी तरफ को ज़्यादा इन्हेंस करना है, यहाँ ज़्यादा ध्यान देना। तो हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। तो अभी हमें 4 डिजिट नंबर लेना है और नो डिजिट रिपीटेड तो
डिजिट कौन कौन सी है आपकी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑल पॉसिबल डिजिट हमारे सामने आ गई। और फोर डिजिट नंबर आपको चूज करना, तो यहाँ पे कंडीशन है, देखिए जो ये वाला प्लेस है, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, तो इस प्लेस पे आप जीरो नहीं ले सकते, कि यदि आपने यहाँ पर जीरो ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये 3 डिजिट नंबर या 0723, तो ये 723 गिना जाता है, तो हम इसको जीरो को इस प्लेस पे नहीं लेंगे। इसके आगे फिर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन जो हायर मोस्ट पोजीशन है इस पे आपका जीरो नहीं आ सकता। तो कितनी चॉइस बची यहाँ के लिए आपकी, तो यहाँ के बदली आपकी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 में से आपको चूज कितना करना है यहाँ पर, कोई भी 1, तो 9P1 बाई 9P1 वे यू कैन फिल दिस प्लेस। और अब ये जो 3 प्लेस बाकी बचे, इनमें आप जीरो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे नो डिजिट रिपीटेड का मतलब, सपोज करो मैंने यहाँ पर 8 भर दिया था, तो 8 अभी हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो अब कौन सी डिजिट है जो यहाँ पर हम चूज कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, कोई भी एक डिजिट ये जो यहाँ पर दी वो वहाँ नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास 9 ऑप्शन है फिर से, तो इसको कितने तरह से भर सकते हैं आप लोग, इनको भर सकते हैं आप लोग 9P1, 2, 3, 9P3, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज या नंबर्स कर सकते हो, तो ये कितना होगा 9P1 × 9P3, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका सीधा ना लेगा, हम यहाँ पे फॉर्मूले पर लेंगे तो 9 factorial upon 9 minus 1 factorial, और इधर हो जाएगा 9 factorial upon 9 minus 3 factorial, ये वैल्यू आती है आपकी 9 factorial upon 8 factorial, यहाँ देता हूँ जगह बच जाएगी आपकी 9 factorial over 8 factorial, और इनटू यहाँ होगा आपका 9 factorial over 6 factorial, और यहाँ देखेंगे ये होगा आपका 9 factorial over 8 factorial, तो 9 factorial लिख सकते हैं आप, 9 × 8 factorial, ये 8 factorial कट जाएगा, इनटू आगे है आपका 9 factorial, और ये हो जाएगा आपका 9 × 8 × 7 × 6 factorial, नीचे 6 factorial था तो ये कट जाएगा, तो आंसर आता है आपका 9 × 9 × 8 × 7, और 9 × 8 × 7 ये आपका पहले क्वेश्चन में है आपका, ये 504 वैल्यू है, तो 9 × 504, और ये वैल्यू आती है 9 × 4 = 36, और ये 0 ये 3 हो जाएगा, और 9 × 5 = 45, तो ये वैल्यू होगी 4536। तो दीज आर द डिफरेंट फोर डिजिट नंबर्स यू कैन फॉर्म एज पर गिवन कंडीशन। और अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप लोग, यहाँ पर दिया हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, तो इस बार हम देखेंगे इवन नंबर। इवन नंबर के लिए आप जानते हैं कि जो यूनिट प्लेस है वो आपका इवन होना चाहिए। 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 6, 7, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर 5 इन्होंने एलिमिनेट किया हुआ है, तो 3 डिजिट नंबर हमें बनाना है और वो भी हमारा इवन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो चॉइस होगी आपकी, देखिए यहाँ पर इनमें से कोई भी एक चॉइस ले सकते हो, तो यहाँ पर 3P1, इन 3 में से कोई भी एक नंबर यहाँ पर लिया जा सकता है, और कंडीशन है कि नो डिजिट रिपीटेड। तो जो यहाँ पर हमने भर दिया, सपोज ये हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये फिर आगे नहीं यूज होगा, तो यहाँ पर आपके 2 प्लेस बचे भरने के लिए, और हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर आएगा 5P2, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इवन नंबर्स वो कितने हो जाएंगे भाई, 3P1 × 5P2, तो 3 factorial over 5 minus 2 factorial, ये होगा 3 factorial over 2 factorial, 5 factorial over 3 factorial,
तो ये 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ भी डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आती है 3 इंटू 5 इंटू 4 एंड दैट इक्वल टू 60। तो आप यहाँ देखेंगे यदि डायरेक्ट भी आप लोग करते तो भी आपके यहाँ पर कितनी चॉइस थी, 3 थी, और यहाँ पर यदि से हम लोग यहाँ ऑलरेडी फिल कर देते तो फिर 5 चॉइस थी आपकी, तो यहाँ पर 5 ले लेते, यहाँ पे 4, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 ये भी आपका कितना आता, 60। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी हो जा रहे हैं, बट यहाँ पर हम लोग किसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे, फार्मूले की तरफ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो फार्मूले का। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यहाँ पर दिया फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो पहले तो हम टोटल नंबर निकाल लेंगे, टोटल कितने डिजिट नंबर लेने भाई, 4 डिजिट नंबर, तो टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितनी चॉइस है हमारे पास, 5, तो ये होगा 5p4, तो ये होगा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, दैट्स इक्वल टू कितना बना, 5 फैक्टोरियल एंड दैट्स इक्वल टू 120। और उन्होंने बोला इसमें से कितने इवन हैं, तो जरा देखिए इवन के केस में, यहाँ पर 4 डिजिट नंबर है ये, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकंड पार्ट ट्राई कर रहे हैं यहाँ से आप लोग। तो यहाँ पर इवन के लिए यूनिट प्लेस मस्ट बी इवन डिजिट, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, 2p1, इन दो में से कोई एक चॉइस ले लेंगे आप लोग, तो 2p1 से आपका ये फिल हो गया यूनिट प्लेस। और यहाँ पर देखेंगे कितने नंबर बचते हैं आपके, यदि कोई भी आपका यहाँ पर ले लिया, सपोज कर मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, तो अभी कितने बचे, 1 2 3 4 डिजिट, तो 4p और भरने कितने हैं, 1 2 3 3, तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इवन नंबर्स ये कितने होंगे, ये होगा 4p3 इंटू 2p1, कितना होता है देखिए, 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ओवर 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये होगा आपका 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, तो 1 ही होता है, 2 फैक्टोरियल यहाँ भी 1 फैक्टोरियल ही है, तो आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये वैल्यू हो जाती है यहाँ पर आपके देखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 4 फैक्टोरियल हो गया, और ये 2 इंटू 1 आपका 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हुई, और ये होती है आपकी 24 इंटू 2, दैट विल बी इक्वल टू 48। तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स आर 120 एंड टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट इवन नंबर आर 48। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4 एंड नाउ वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, और जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मैनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजिशन। तो यहाँ पर देखें आपके पास एन की वैल्यू कितनी है, 8, और जो चूज करना है वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, तो आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, तो यू हैव टू सेलेक्ट 2 पर्सन आउट ऑफ 8 एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जो चेयरमैन बना वाइस चेयरमैन नहीं होगा। तो चलिए ध्यान देखते हैं, देयरफॉर एनपीआर की वैल्यू चेक कर लो, कितने डिफरेंट परमुटेशन आ जाएंगे, दैट विल बी एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये हो जाएंगे आपके 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये इक्वल होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, और इस तरह से आपको ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 8 इंटू 7 इक्वल टू 56। सो दे आर 56 डिफरेंट वेज। और अभी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और ये
यहाँ पर दिया है फाइंड एन इफ एन माइनस वन पी थ्री इज टू एन पी फोर इक्वल टू वन इज टू नाइन। हमें यहाँ पर एन की वैल्यू निकालनी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन माइनस वन पी थ्री अपॉन एन पी फोर, यहाँ फोर मैं ऐसे लिख देता हूँ कन्फ्यूजन ना हो, इक्वल टू वन इज टू नाइन। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं एन पी आर का, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन माइनस थ्री का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, और इधर आएगा आपका एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस फोर का फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल टू वन बाई नाइन। तो यहाँ पर देखिए जो एन माइनस थ्री एन माइनस वन माइनस थ्री है ये एन माइनस फोर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और एक्सट्रीम एक्सट्रीम ऊपर इनर इनर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल दैट इक्वल टू वन बाई नाइन। और यहाँ होगा ये एन माइनस वन ऊपर छोटा नंबर है तो नीचे वाले को देखो इसको रिड्यूस करेंगे एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल के लिए दैट इक्वल टू वन बाई नाइन, और यहाँ पर एन माइनस वन का फैक्टोरियल कट जाएगा और ये आएगा वन बाई एन इक्वल टू वन बाई नाइन इम्प्लाइज एन इक्वल टू नाइन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स था, और अभी हम क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेवन में यहाँ पर दो पार्ट हैं और इंस्ट्रक्शन है आर फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा, फाइव पी आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिक्स पी आर माइनस वन, और हमें यहाँ पर आर की वैल्यू निकालनी है। तो जरा देखिए ये होगा आपका फाइव पी आर अपॉन सिक्स पी आर माइनस वन इक्वल टू टू हो जाएगा, और इसे लिख सकते हैं आप लोग फाइव फैक्टोरियल अपॉन फाइव माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई सिक्स फैक्टोरियल अपॉन सिक्स माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल इक्वल टू टू इम्प्लाइज फाइव फैक्टोरियल ओवर फाइव माइनस आर का फैक्टोरियल। एक काम करते हैं इसको अरेंज कर देते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे एक्सट्रीम एक्सट्रीम को ऊपर इन इनर को नीचे लाएंगे तो फाइव फैक्टोरियल, और ये होगा आपका कितना सिक्स माइनस आर माइनस वन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये सेवन माइनस आर हो जाएगा, और जो नीचे आएगा वो सिक्स फैक्टोरियल इंटू फाइव माइनस आर आएगा और ये इक्वल टू टू है, तो फाइव फैक्टोरियल ऐसे रहने देते हैं और नीचे सिक्स को रिड्यूस कर देते हैं सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल के लिए। इसी तरह फाइव माइनस आर ऐसे रहने देते हैं, और जो सेवन माइनस आर है इससे अगला टर्म जो एक कम करके लिखेंगे तो होगा आपका सिक्स माइनस आर, और उससे अगला जो होगा वो फाइव माइनस आर उसका फैक्टोरियल हो जाएगा दैट्स इक्वल टू टू, और ये टर्म यहाँ से कट जाएगा और इधर आपका फाइव फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये आएगा आपका सेवन माइनस आर इंटू सिक्स माइनस आर डिवाइडेड बाई सिक्स, और सिक्स को मैं राइट साइड ले जाता हूँ तो इक्वल टू ट्वेल्व हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई लिखें मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो ये होगा फोर्टी टू, फोर्टी टू माइनस सिक्स आर, ये देखिए आपको फोर्टी टू माइनस सिक्स आर माइनस सेवन आर माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू ट्वेल्व इम्प्लाइज ये होगा आपका आर स्क्वायर माइनस थर्टीन आर और प्लस थर्टी इक्वल टू जीरो। तो अभी यहाँ देखेंगे ये होगा आपका आर स्क्वायर माइनस इस थर्टीन के दो पार्ट कर लेंगे टेन और थ्री हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस टेन आर माइनस के थ्री आर प्लस थर्टी इक्वल टू जीरो, फैक्टराइजेशन हो गया तो ये आर कॉमन लेंगे तो आर माइनस टेन, फिर माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो आर माइनस टेन इक्वल टू जीरो। यहाँ पर आप देखेंगे तो आर माइनस टेन इंटू आर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई बाय जीरो है तो इसका मतलब कोई एक जीरो ज़रूर होगा, तो इधर आर माइनस टेन इक्वल टू जीरो और आर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो मीन्स आर इक्वल टू टेन और आर इक्वल टू थ्री।
अब जरा आप देखें, यहाँ पर दिया है आपको 5PR टर्म यहाँ पर यूज किया हुआ है क्वेश्चन में, तो 5PR का मतलब यहाँ पर देखिए N की वैल्यू कितनी है 5 और R की वैल्यू जो होगी क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अरेंजिंग द R थिंग आउट ऑफ N थिंग, तो यहाँ पर 5 में से 10 को अरेंज नहीं किया जा सकता, तो आप देखें यहाँ पर 5PR, तो ये जो R की वैल्यू है वो 5 से या 5 से कम होनी चाहिए, तो ये कितना होगा देयरफॉर R इक्वल टू 3 सिंस R इक्वल टू 10 इज नॉट पॉसिबल। और इसी तरह अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, और यहाँ दिया है आपको फिर से R ही की वैल्यू निकालनी है, और जो दिया है वो है 5PR इक्वल टू 6PR माइनस 1, तो यहाँ देखें आप लोग इसमें आएगा 5PR यानी कि ये 6 ठीक से लिख देता हूँ मैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू यहाँ होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर प्लस 1, या पहले माइनस से चलते हैं, अगला स्टेप में खोल देंगे इस सारे का फैक्टोरियल, तो इधर आएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, इधर जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन, और यहाँ देखिए होगा 6 माइनस आर प्लस 1, तो यहाँ ऐड हो जाएगा जो 7 माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो ये होगा आपका 5 फैक्टोरियल 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, इधर जाएंगे तो ये होगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और नीचे आएगा आपका 7 माइनस आर, एक कम लिखें 6 माइनस आर, और फिर ये 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा नीचे, ऊपर आपका 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 1 अपॉन 1 हो गया इधर, तो उधर होगा आपका 6 ओवर 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इम्प्लाइज 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू 6, और यहाँ पर ये हो जाएगा 42 माइनस 6 आर माइनस 7 आर इक्वल टू प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 6 इम्प्लाइज आर स्क्वायर माइनस 13 आर, और 6 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा आपका 36, तो प्लस 36 इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम लोग, प्लस 36 इक्वल टू 0, और ये आर कॉमन ले लेंगे तो आर माइनस 9, इधर माइनस 4 कॉमन लेंगे तो आर माइनस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ पर आपके फैक्टराइजेशन से आर माइनस 9 और आर माइनस 4 फैक्टर हो जाएंगे, और इक्वल टू 0 मीन्स इसका एक फैक्टर का वैल्यू श्योर 0 होना चाहिए, तो इफ आर माइनस 9 इक्वल टू 0 देन आर इक्वल टू 9 एंड इफ आर माइनस 4 इक्वल टू 0 इट गिव यू आर इक्वल टू 4, और आप यहाँ देखेंगे कि जो 5PR है यहाँ पर और 6PR माइनस 1 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है ये आप देखेंगे 5 और 6 से कम होनी चाहिए, तो ये 9 यहाँ पर नहीं लेंगे, तो R की वैल्यू रखेंगे 4 और लिखेंगे सिंस R इक्वल टू 9 इज नॉट पॉसिबल, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 एंड नाउ विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 8, एंड जैसे कि क्वेश्चन में दिया है हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, तो देखिए कितने लेटर हुए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हुए भाई, अल्फाबेट कितने हुए यहाँ पर आपके, ये हुए 8, देयरफॉर नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स सभी को एक साथ यूज करना है, मतलब 8P8, और ये होता है आपको मालूम है फैक्टोरियल 8, और इसकी वैल्यू होगी आपकी 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये वैल्यू आपकी आ जाती है यहाँ तक की जो वैल्यू है 6 फैक्टोरियल ये तो 720 हो जाएगी,
और ये 56 हो जाएगी, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो 720 और 56 तो 672 को ही कर लेते हैं, जीरो डायरेक्ट रख देंगे हम लोग, तो 62 जा उल्टा करते हैं आसान होगा 72, तो ये हो जाएगा 26 जा 12 एंड 25 जा 10 और इधर 11 हो गया, तो फिर आगे 76 जा 42 75 जा 35 और ये होगा आपका 39, तो आपका 2304 तो ये होगा 40320। और अभी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9, यहाँ पे आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया आपको हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन वी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे, तो यहाँ पर एम ओ एन डी ए वाई टोटल 6 लेटर हैं आपके पास, और उसमें कंडीशन दी है पहले पार्ट में 4 लेटर्स आर यूज एट ए टाइम, तो यहाँ पर पहले केस में जो आंसर आएगा वो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6p4 हो जाएगा, ये इक्वल टू होगा आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, जो कि हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल, ये 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये 6 × 5 × 4 × 3 बिकम ये 126, ये हो जाएगा आपका 12 × 30 तो ये 360। और सेकंड पार्ट देखिएगा, यहाँ पर आपको दिया है ऑल लेटर्स आर यूज एट ए टाइम, तो इसका आंसर आएगा आपका 6p6, क्योंकि सभी लेटर को एक साथ लिया गया है, तो दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, ये वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी आपकी, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720। और अभी थर्ड पार्ट देखिएगा, यहाँ पर ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवेल, तो जरा देखिए यहाँ पर हम लोग ध्यान दें, जो प्लेस हैं वे आपके 1 2 3 4 5 6, 6 out of 6 लेटर लेने हैं, बट कंडीशन है जो फर्स्ट लेटर है दैट शुड बी वोवेल, और यहाँ पर देखिए आप लोग 2 वोवेल हैं, तो यहाँ पर 2 चॉइस है, तो 2p1 और कोई एक को इसमें चूज करेंगे, और इसके बाद बाकी जो आपके पास बचे प्लेस हुए हैं 1 2 3 4 5, और जब सपोज करो हमने इसमें से किसी एक को चूज कर लिया यहाँ पर, तो हमारे पास चॉइस कितनी है 1 2 3 4 5, तो इट विल बी 5p5, तो देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड कितना हो जाएगा 2p1 × 5p5, और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 2 फैक्टोरियल ओवर 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, और जाएगा 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, और नीचे डिवाइड में तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 है, तो ये आएगा 2 × 120 दैट्स इक्वल टू 240। और अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यहाँ पर जैसा कि आपको दिया हुआ है, इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी डू द 4 i नॉट कम टुगेदर, तो यहाँ पर मिसिसिपी MISSISIPPY, तो मिसिसिपी में आप देखिए यहाँ पर कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हुए भाई 11, और यहाँ पर एस कितने हैं 4, आई कितने हैं 4, पी कितने हैं 2, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड यानी कितने परमुटेशन हो सकते हैं कैन बी फॉर्म्ड इक्वल टू 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, और ये होगा आपका जो 11 फैक्टोरियल है इसकी वैल्यू होगी 3 9 1 6 8
डबल ज़ीरो, ये वैल्यू आती है, और ये 24 होता है आपको मालूम है, इनटू फिर ये 24 होता है और ये आपका 2 हो जाता है, यानी ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3991680, और नीचे होगा आपका ये वैल्यू आ जानी चाहिए 1152, 1152, और ये जब आप फोल्ड करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 34650, ये आपके टोटल हुए। और उन्होंने बोला उसमें जिसमें 4i एक साथ ना आए हों, तो पहले हम 4i एक साथ आने वाले ले लेते हैं, तो ये होगा m, और उसके बाद कहीं भी सपोज करो 4i एक साथ आएंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा SS SS PP, इनके साथ कोई कंडीशन नहीं है, तो टोटल कितने थे 11, इसमें से 4 कम कर दो, 7 प्लस 1 कर दो 8, देखो 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अभी ये जहाँ भी आएंगे सिंगल लेटर की तरह यूज करेंगे हम इसको। तो अभी कितने परमुटेशन बनेंगे, तो नंबर ऑफ वर्ड्स हैविंग 4 आईज टुगेदर, तो यहाँ पर आएगा आपका 8 फैक्टोरियल ओवर, यहाँ पर 4s हैं और 2p हैं, तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू और 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 ही होती है, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 30 और ये 42 हो जाएगा, 21 210 और यहाँ पर इसे काटेंगे तो ये 4 हो गया, इंटू 4 कर दो ये 840 हो गया, देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 4 आईज आर नॉट टुगेदर, ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, तो वे कितने होंगे, टोटल कितने थे 34650 माइनस, और जिनमें एक साथ आया वो ये रहे 840, और ये वैल्यू आ जाएगी आप देख लीजिए 0 और ये आपका 1 और इधर आपका हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 16 माइनस 8 कर देंगे हम लोग तो 8 हो जाएगा और ये आपका 33, तो 33810, तो इट वाज योर क्वेश्चन नंबर 10। और अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखिएगा क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशंस, परमुटेशंस आइए देखते हैं, PERMUTATIONS कितने लेटर हुए देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ध्यान रहे इसमें 2 T जो हैं रिपीट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज इफ द वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। चलिए पहला पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये होगा स्टार्ट होगा पी से और एंड होगा एस से, इसका मतलब यहाँ पर इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हो, एक ही चॉइस है और एक ही प्लेस, तो 1p1 और यहाँ इसके लिए भी 1p1, तो ये तो ब्लॉक हो गया, और इसका एक ही तरीका है, इसका भी एक ही तरीका, तो मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे जब आप फोल्ड करेंगे, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी जो हमें भरने हैं वे 10 प्लेस भरने हैं, ये 10 प्लेस, और यहाँ पर हमारे पास लेटर कितने हैं, 10 ही हैंगे, कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और ये जो 12 है और इसमें से 2 हमारे चले गए, तो अभी 10 बचे, तो यहाँ पर आपका आएगा देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इस केस के लिए, और ये हो गए आपके 10 फैक्टोरियल ओवर, इनमें 2 जो टी है ये रिपीटेड है, 2 फैक्टोरियल, और चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं इनटू 1 यहाँ पर है और इधर भी इनटू 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट आएगा आपका 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, और जो ये 10 फैक्टोरियल है इसकी वैल्यू आएगी आपकी 36288 00, और ये जब डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से तो इसकी वैल्यू 2 होती है, और ये वैल्यू आ गई आपकी 1 8
वन फोर फोर और ये जीरो जीरो। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, और अभी हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। और सेकंड पार्ट में आपको इंस्ट्रक्शन दी है, वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। तो जो वोवेल्स हैं यहाँ पे, वे सभी आपके एक साथ हैं। देखिए ये दिया आपको, कौन कौन से वोवेल आए हुए हैं, देखिए ए है, ई है, आई है, ओ है, ये सारे हैं इसमें भाई। तो पी और ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हें एक साथ रख लेंगे हम लोग, एक सिंगल लेटर की तरह यूज करेंगे। और यहाँ पर आप देखें तो ये होगा आपका आर आ जाएगा, इसके आगे एम आ जाएगा, टी आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, और एन आ जाएगा, एस आ जाएगा। मीन्स 12 - 5 + 1, तो ये 8 होने चाहिए मेरे ख्याल से। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेज होंगे उसे आप देखिएगा, ये वैल्यू आ गई आपकी। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, ये जो परमुटेशंस हैं इनको फर्दर कितने तरह से आप रीअरेंज कर सकते हो। फैक्टोरियल 5 वे से दैट इज 120, ये आपका एक सिंगल वर्ड की तरह, सिंगल लेटर की तरह यूज होगा आपका, जो अभी हम नेक्स्ट वर्ड बनाएंगे। लेकिन ये अपने आप में, ये जो सभी 5 वोवेल्स हैं, ये 120 वे से रीअरेंज हो सकते हैं, तब भी ये सब साथ साथ ही आएंगे। तो आप देखेंगे ये होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल में आपके डबल टी हैं, तो ओवर 2 फैक्टोरियल। और जो भी आपका रिजल्ट आएगा, पहले जब इसको सिंगल लेटर की तरह हमने यूज किया, तो वो रिजल्ट आपका ये है इन टू, और फिर 120 वे से इनको हम फर्दर रीअरेंज कर सकते हैं, दैट इन टू 120। तो ये आंसर आपका बनता है, ये 8 फैक्टोरियल ले लेते हैं। 8 फैक्टोरियल वैल्यू आपको मालूम है, 40320 होती है, इन टू 120 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 कर देते हैं, और ये वैल्यू हो जाएगी आपके 60 कर दो, तो 40320 इंटू 60। और आप देखेंगे ये 00 ले लेते हैं बाद में, और 6 2 = 12, और 6 3 = 18, ये 19 हो जाएगा, या 1 और 6 4 = 24, तो 2 4 1 9 2 00, ये आपका सेकेंड आंसर हुआ। और अभी हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। तो टोटल लेटर हैं आपके 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और यहाँ 12 कर देते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर होने, सपोज पी की वैल्यू यहाँ है, तो 1 2 3 4 लेटर के लिए जगह छोड़ देते हैं, ऐसे यहाँ पॉसिबल होगा। तो इसी तरह आप देखेंगे, मैं पी और एस को नीचे लिख लेता हूँ समझाने के लिए। तो यहाँ पर पी है तो एस यहाँ होगा, इधर पी है तो एस यहाँ होगा, तब भी इनके बीच में 4 लेटर रह जाएंगे। और पी की वैल्यू दूसरी जो होगी नेक्स्ट आपकी पॉसिबिलिटी, वो यहाँ हो जाएगी, देखो इधर, या फिर पी और एस की वैल्यू ये हो जाएगी, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी, और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी। यहाँ पर P था, यहाँ पर S, फिर यहाँ पर P होगा, तो फिर यहाँ पर S होगा, डिफरेंट हो जाएगा। और कुल कितने वे हैं, देखिए यहाँ पर एरो से गिन सकते हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ P एंड S इक्वल टू 7, और उन्होंने बोला P और S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए, बट पी और एस में कौन सा पहले और कौन सा बाद में आएगा, ये उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया। इसका मतलब ये इंटरचेंज हो सकते हैं, तो इनटू 2 कर देंगे, डबल केस हो गए। पी और एस की पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो हर एक केस में जो उसका रिवर्स ऑर्डर है वो भी मेंशन नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा आपका 14 वेज। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे भाई,
अब किसी भी एक पोजिशन को आप ले लीजिए जहाँ पर P और S की पोजिशन आपने फिक्स कर दी, तो बाकी जो बचता है वो कितना बचता। तो सपोज आपके पास यहाँ पर 12 प्लेस थे यहाँ पर जैसा आपने देखा, और उसमें से आपकी दो पोजिशन फिक्स हो गई, तो बाकी कितनी बची? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 फैक्टोरियल। और इस 10 फैक्टोरियल में से आपके जो दो टी हैं, ये टी आपके रिपीट हो रहे हैं। और जो आपका रिजल्ट आएगा ये तो सिर्फ 10 लेटर को अरेंज करने का है, इन टू और पी और एस को अरेंज करने के फर्दर कितने मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये कितने तो ये होंगे आपके 14। और ये जो 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आपने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी निकाली हुई है, ये कितना है? 181,440 इंटू 14। और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी मेरे ख्याल से 14,00 और 14 4 56, 5 कैरी ऑन कर लेंगे, और 14 4 56 और 5 61, अभी 6 कैरी ऑन करते हैं, 14 1 14, 14 और 6 ये आपके हो गए 20, और फिर आपका 2 कैरी ऑन हो गया, और ये 14 8 ये होगा 112, और 112 में 2 ऐड करेंगे तो 14, और ये आपका 11 कैरी ऑन हो गया, और 14 1 14 और 11 ये होगा आपका 25। तो आपका आंसर आता है 2540 1600। इट वॉज योर थर्ड पार्ट एंड दिस वॉज योर एक्सरसाइज, होप आपने एंजॉय किया होगा।